पूरे भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें चाय न बनाई जाती हो, और ज्यादातर भारतीयों की तो चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। लेकिन जिस चाय पत्ती से आपके घरों में चाय बनाई जाती है, क्या आपको पता है वो चाय के बगानों से किस तरह से फैक्ट्री में प्रोसेस होकर आपके घरों तक आती है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं चाय पत्ती की पूरी मेकिंग। अभी हमें असम में, और चाय पत्ती बनाने के लिए सबसे पहले चाय के बगानों से पत्तियों को तोड़ा जाता है। पत्तियों को इकट्ठा करके वर्कर्स फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद पत्तों को स्टोर किया जाता है और उनमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव किया जाता है। तो पत्तों के अंदर अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है, उसको हटाने के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा फैन लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बर्नर है। बर्नर में आग जलाई जाती है और आग जलने के बाद यहाँ से गर्म हीट जाती है फैन तक। तो फैन की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, फिर ये गर्म हवा जाती है यहाँ से पत्तों तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से गर्म हवा आ रही है, जिससे जो पत्तियों के अंदर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। जब मॉइस्चर पूरी तरीके से निकल जाएगा, उसके बाद इन पत्तियों को भरा जाएगा बैग के अंदर, जहाँ से ले जाई जाएंगी दूसरी प्रोसेस तक। तो ये देखिए मॉइस्चर निकालने के बाद की चाय पत्तियां हैं। अब ये बैग में फिल करने के बाद ले जाई जाएंगी दूसरी प्रोसेस के लिए। तो बैग को बेल्ट के ऊपर लटका दिया गया है, अब ये जाएंगी दूसरी प्रोसेस पर। तो बेल्ट के थ्रू हमारा बैग अंदर आ चुका है, अब ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस पर, जहाँ पर इसकी कंडीशनिंग और कटिंग होगी। बैग के अंदर से सारी पत्तियों को बाहर निकाल लिया गया है, अब ये पत्ती जाएंगी मशीन के अंदर, जहाँ पे इनकी कंडीशनिंग होगी। कंडीशनिंग होने के बाद ये नीचे गिरेंगी, और नीचे गिरने के बाद ये जो आप कटर देख रहे हैं इसमें सारी पत्तियां कट जाएंगी। अभी हमारी कटिंग पूरी नहीं हुई है, उसके बाद ये नेक्स्ट बेल्ट पर जाएंगी, वहाँ थोड़ी कटिंग होगी, उसके बाद नेक्स्ट बेल्ट पर। इसी तरीके से सारी बेल्ट पर जाते हुए लास्ट वाली बेल्ट पर ये पूरी तरीके से चूरा हो जाएगा। तो चार बार कटिंग होने के बाद हम आपको दिखाते हैं फाइनल प्रोडक्ट हमारा कैसा निकला है। तो ये जो आप चूरा देख रहे हैं कितना बारीक है, जिस तरीके से आटा हो जाता है इतना ज्यादा बारीक हो चुका है चूरा। और अभी भी हमारी चाय पत्ती तैयार नहीं हुई है, इसके बाद इसके अंदर ग्रेन्स पड़ने बाकी हैं। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती रहेगी, और रिवॉल्व करते करते हमारी चाय पत्ती को कन्वर्ट कर देगी छोटे छोटे ग्रेन्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी चाय पत्ती पहले कैसी थी और अब कैसे ग्रेन्स पड़ गए हैं इसमें। जब ग्रेन्स हमारे बन जाएंगे उसके बाद ये भेज दी जाएगी फर्मेंटेशन के लिए। अब कम से कम 1.5 घंटे के लिए इसका ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे जाएगी और वातावरण में जो नमी है ऑक्सीजन है उससे इसका फर्मेंटेशन होता रहेगा। और जैसे जैसे फर्मेंटेशन होता रहेगा इसका कलर चेंज होता रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं पहले इसका कलर ग्रीन था, अब धीरे धीरे इसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा। आप एक बार यहाँ देखिए इसका कलर पूरी तरीके से ब्राउन हो चुका है, और जिस तरीके से राइप एप्पल में स्मेल आती है उसी तरीके से स्मेल आ रही है इसमें। चाय पत्ती हमारी पूरी तरीके से फर्मेंट हो चुकी है। तो फर्मेंटेड चाय पत्ती हमारी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगी, जहाँ पर इसे फ्राई किया जाएगा। और ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये फ्रायर है, और इस फ्रायर के अंदर हीट आती है इस साइड से। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा ब्लोअर है, और इसके अंदर काफी तेज आग जल रही है। अब ये जो आग है ये यहाँ से आगे जाएगी फैन तक। अब यहाँ पे बहुत बड़ा जो फैन लगा हुआ है ये यहाँ से हवा लेगा और गर्म हवा को आगे फेंकेगा, जिसमें हमारी चाय पत्ती फ्राई होंगी। तो करीब आधे से पौन घंटे के लिए चाय पत्ती को इसी तरीके से फ्राई किया जाएगा, और इस तरीके से हमारी परफेक्टली चाय पत्ती तैयार की जाती है। तो ये जो आप फ्रायर देख रहे हैं ये एयर फ्रायर है, जहाँ पर हमारी चाय पत्ती को फ्राई किया जा रहा है। अब एयर फ्राइंग होने के बाद चाय पत्ती हमारी बाहर आएंगी, और यहाँ आने के बाद ये हमारी चाय पत्ती तैयार हो चुकी है। लेकिन घर में जो हम चाय पत्ती यूज करते हैं वो ये वाली चाय पत्ती नहीं है, अभी इस चाय पत्ती को अलग किया जाएगा। जो चाय पत्ती हमारी तैयार हुई है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाएगी सेग्रीगेशन के लिए। चाय पत्ती आ गई इस मशीन के अंदर, जहाँ पर इसका सेग्रीगेशन किया जाएगा, सफाई की जाएगी। तो जो भी उसके अंदर गंदगी है, फाइबर है, वो सब कुछ क्लीन कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारी तैयार होगी साफ और फ्रेश चाय पत्ती। अब यहाँ पर इसको साइज और क्वालिटी के हिसाब से अलग कर दिया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जाली है, और यहाँ से जो निकल रही है मोटी चाय पत्ती, और जाली के बाद जो छनकर निकल रही है ये पतली चाय पत्ती है, जिसको चाय पत्ती का डस्ट भी कहा जाता है। तो चाय पत्ती का डस्ट इधर निकल गया है, और ये वाली हमारी मोटी निकल गई है चाय पत्ती। उसके बाद वो जो आप देख रहे हैं वो डिफरेंट टाइप की चाय पत्ती है। तो ये कोई और तरह की चाय पत्ती है, ये कोई और तरह की चाय पत्ती है, और ये कोई और तरह की। तो अलग अलग क्वालिटी को देखकर अलग अलग कर दी जाती है चाय पत्ती। बनकर एक साथ तैयार होती है, लेकिन बाद में सेपरेट कर दी जाती है, फिर यहाँ से ये भेज दी जाएंगी पैकेजिंग के लिए। तो ये जो आप बोरे देख रहे हैं ये सारी अलग क्वालिटी की चाय पत्ती के बोरे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।